भारतीय प्रत्येक वर्ष के वैसाख माह की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। इसीलिए वैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। सोमवार को भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर दिल्ली के बुराड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलितों के नेता रामवीर चौहान ने अपने कार्यालय पर भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर उन्हें फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और देशवासियों को भगवान बुद्ध की जयंती पर शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश और विचारों पर अमल करने की बात कही। महात्मा बुद्ध की जयंती के अवसर पर दिल्ली के बुराड़ी में जगह जगह एडवोकेट रामवीर चौहान ने मीठा पानी और छबील बाटी और लोगों के साथ महात्मा बुद्ध की उपदेश और विचारों पर साझा किया। जब टोटल खबरें के संवाददाता ने रामवीर चौहान से बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। महात्मा बुद्ध की जयंती पूरे संसार में मनाई जाती है और विश्व के ज्यादातर देश जहाँ स्थापना की बात करते हैं तो वहीं बुद्ध की बात भी होती है। तो महात्मा बुद्ध का संदेश कि अपना दीपक खुद ही बनो साथ साथ विश्व में शांति के मार्ग को प्रशस्त करता है। आज देशवासियों को महात्मा बुद्ध की जयंती की हम हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत में भी शांति व्यवस्था बनी रहे। और इसके अलावा आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? आज सुबह हम लोगों तो वैसे काफी लंबे समय से हम तैयारी कर रहे हैं कार्यक्रम की और आज सुबह भी हमारे यहाँ ये ऑफिस पे लोगों के लिए छबील वगैरह लगाई गई है और भी कई कार्यक्रम अटेंड किए हमने। तो कार्यक्रम सुबह से शाम तक चल रहे हैं। महात्मा जी का क्या संदेश था जो लोगों के बीच में? संदेश तो विश्व में शांति स्थापित करने का था। दूसरा सबसे बड़ा उनका संदेश ये है कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ। महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि मैं मुक्ति नहीं करता किसी की, मैं मार्ग बताता हूँ। उस मार्ग पर हम चलेंगे, आप खुद अपने विचारों से अपने विवेक विवेक से फैसला करेंगे कि वो मार्ग सही है गलत है और उसको उसके अकॉर्डिंग अगर आप फैसला लेंगे तो आपके लिए मनुष्य के लिए उचित रहेगा। संदेश को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उन्हीं चीजों को फॉलो किया। आपको बता दें कि एडवोकेट रामवीर चौहान बुराड़ी में क्षेत्रीय लोगों के साथ संपर्क में बने रहते हैं और बुराड़ी की समस्याओं की भली भांति जानकारी रखते हैं। फिर चाहे क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा और बुराड़ी अस्पताल में ओपीडी शुरू करने की मांग को उठाया था जिसका असर भी देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।